अच्छा, और एक प्रश्न है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के उम्र की कोई सीमा होती है? तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि कोई एक जो बालक है, कोई 10 साल का है, 15 साल का है, तो वो आत्मा को नहीं जान पाएगा, आत्मा साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। हालांकि 5 वर्ष का बच्चा भी जान पाएगा। ऐसे ऐसे आपको मिलेगा हमारे इतिहास में कि माँ के पेट से ही उसकी शक्ति जागृत थी, सत्य का बोध था, आत्मबोध था, जैसे कि अष्टावक्र, और माँ के पेट से ही उनको आत्मबोध था। तो उम्र 60 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 45 साल की उम्र है, ये आपकी श्रद्धा भक्ति और किस तरीका से आप साधना कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे देखा गया है कि 15 साल और 50 साल की जो उम्र के बीच की जो अवधि है, 50 और 15 की जो ये अवधि है, इसमें ज़्यादा लोग अध्यात्म को उपलब्ध होते हैं, आत्मा को बोध करते हैं। आत्मबोध ज़्यादा से ज़्यादा इसी उम्र में होती है। अब इसके कारण है क्योंकि इस उम्र में शरीर में ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो अगर कम उम्र से अगर कोई साधना, तपस्या, ध्यान, मंत्र जप हो, या जो भी आप ध्यान करें, मंत्र जप करें, या योगा करें, व्हाट एवर द मार्ग इज, कोई भी आपका जो मार्ग है, तो उससे आपके अंदर शक्ति ज़्यादा, एनर्जी जो है ज़्यादा एकत्रित हो गई है, तो ज़्यादा आप ऊर्जावान हैं, इस उम्र में ज़्यादा होता है। तो इस उम्र में ऐसे भी लोगों के अंदर में नेचुरली थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा होता है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अगर शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो शक्ति जागृत नहीं होगी, उसको एनर्जी चाहिए पूरा। इसलिए ध्यान, तपस्या, साधना में इसे करने से हमारे अंदर एनर्जी एकत्रित होती है, एनर्जी का संचार होता है, एनर्जी बढ़ता है, मंत्र से भी एनर्जी बढ़ता है। तो जैसे एनर्जी जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा होता है, उससे हमारे अंदर की जो 72,000 नाड़ियों का समूह, सूक्ष्म शरीर जो कहा जाता है, उसकी प्यूरिफिकेशन होती है और हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता आने लगती है, और हमारे अंदर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और ऊर्जावान व्यक्ति हो जाता है। तो इससे कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत होती है। तो ये करीबन 15 से 50 साल की उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई है, और ज़्यादा लोग उपलब्ध भी होते हैं। उसके बाद अगर वो साधना स्टार्ट करें, यानी कि 50 साल के पहले उन्होंने साधना स्टार्ट की ही नहीं, 45-40 साल के पहले उन्होंने ध्यान, तपस्या, साधना स्टार्ट नहीं की, बहुत बाद में किए, अभी 55-60 साल हो गए, 50 साल की उम्र पार हो गई, 70 साल के हो गए, बाद में बहुत लेटर लाइफ में अगर उन्होंने स्टार्ट की, तो बहुत मुश्किल होती है उस वक्त, क्योंकि उन्होंने आधा ज़िंदगी तो जी ली है, और वो जो ज़िंदगी जिए उन्होंने काम वासना की ज़िंदगी जिए, तामसिक जीवन, राजसिक जीवन जिए, तो तामसिक और राजसिक वाली ऊर्जाएँ ज़्यादा उनकी डोमिनेंट होकर रखी है, बढ़ रखी है, तो सात्विक में आना उनका बहुत मुश्किल होता है, और ऊर्जा की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, बाद में स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों को आध्यात्मिकता समझाना भी और आत्मबोध इनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन जो लोग 35 साल की उम्र से, 40 साल की उम्र से, 30 साल की उम्र से, 25 साल की उम्र से, 20 साल की उम्र से करते आ रहे हैं, 20 साल पार हो गए, 25 साल पार हो गए, अभी तक भी उपलब्ध नहीं हुए, 50 साल पार हो गए, अभी तक भी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन इतने दिन से जो करके आ रहे हैं, वो ऊर्जाएं उनके अंदर में एकत्रित है, इकट्ठा है, तो ये उपलब्ध हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु आर स्टार्टिंग देयर साधना, देयर मेडिटेशन आफ्टर क्रॉसिंग 45 ईयर्स और 50 ईयर्स। तो इसीलिए जिन लोगों की उम्र 45 और 50 पार हो चुके हैं और अभी से वो साधना ध्यान स्टार्ट करेंगे, थोड़ी उनकी परसेंटेज में मुश्किल होती है, लेकिन असंभव नहीं है।